बरेली IMA बरेली द्वारा संस्कार भारती के सहयोग से अपने सदस्यों के लिए स्वदेश दीपक द्वारा लिखित एवं डॉक्टर प्रसाद उर्फ पप्पू वर्मा द्वारा निर्देशित एवं डॉक्टर रंजन विशद द्वारा सह निर्देशित एक सशक्त एवं भावपूर्ण नाटक कोर्ट मार्शल के मंचन का आयोजन शनिवार को शाम 6 बजे से IMA भवन के ऑडिटोरियम में किया गया। यह नाटक सेना पर आधारित था। कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को संपूर्ण मंचन में बंधे रखा और बीच बीच में भाव विभोर कर दिया। नाटक के अंत में सभी कलाकारों को उत्साहवर्धन हेतु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओमवीर विभाग प्रचारक वशिष्ठ अतिथि मयंक महानगर प्रचारक द्वारा संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री योगेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई और संस्कार भारती 2 सीनियर कलाकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक आदरणीय ओमवीर ने बताया कि संस्कार भारती संघ का एक अनुसांगिक संगठन है जो कि हमारे संत मुनि महापुरुषों स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित नाटकों के मंचन के माध्यम से युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने और राष्ट्र प्रेरणा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है। संस्था ने इसी क्रम में फिल्मी कलाकार श्री नाना पाटेकर पार्श्व गायिका लता मंगेशकर एवं आशा भोसले आदि के साथ और विदेशों में भी कार्यक्रम किए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के परम वैभव की कामना अपनी सेनाओं में देश के प्रति समर्पित सैनिकों की देशभक्ति के आधार पर ही कर सकते हैं। हम सबको जाति धर्म के भेदभाव से परे होकर देश और समाज की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने देश की उन्नति में युवाओं को आगे आकर एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। ना ये जो कार्यक्रम है संस्कार भारती का, अपना सेना के किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, परंतु जो ये संस्कार भारती अपने योगेंद्र दादाजी, दादा के नाम से उनको करते हैं, संघ के प्रचारक थे और उन्होंने इसकी जो स्थापना की 1981 में, कि जो अपने संस्कार, जो अपने नृत्य कला है, अन्य जो कला है, नृत्य संगीत है, जो भारतीय संस्कृति के निमित्त जो होते हैं, जो परंपरा विधिगत चलती रहें, जो विलुप्त होती जा रही हैं, जो कला के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे वास्तविक रूप से जो भारत था वो बढ़ रहा था, ऐसे अन्य जब हम वर्तमान में देखते हैं तो किस प्रकार के कलाएं मिलती हैं। टेलीविजन पर देखिए दूषित किस प्रकार से हिंदू संस्कृति का एक कह लीजिए दुष्प्रचार प्रचार करने में लगे हैं, जितना वो कर सके हिंदू संस्कृति का दुष्प्रचार करने में। इसलिए उसके निमित्त जब संगठन ने सोचा कि अपने संस्कार भारती की स्थापना हो, इसलिए उन्होंने इस निमित्त की हर क्षेत्र में, भले चाहे जनजाति क्षेत्र में, वनवासी जैसे क्षेत्र में, ऐसे जो कला के क्षेत्र में जो निर्धन परिवार से भी उनकी कलाएं वास्तव में बहुत सारी चीज़ वो जानते हैं, नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, ऐसे बहुत सारे जो कलाकार हैं, चाहे अपने लता मंगेशकर है, देशभक्ति अगर मूवी में लेंगे तो अपने नाना पाटेकर, ऐसे भी ये संस्कार भारती से ऐसे जुड़े हैं बहुत सारे कलाओं के माध्यम से, अपना जोड़ने का जो काम है ये संस्कार भारती से करती है। नए युवाओं के लिए अपना जो हिंदू संस्कृति उसी के निमित्त ही देश के लिए ही जो कोई हम कार्यक्रम जो को हम करें, संगीत के क्षेत्र में करें, कहीं करें, वो देशभक्ति का ही होना चाहिए। चाहे आज की जो वर्तमान चाहे मूवी भी हो, वही संदेश देने के उनके लिए वही है कि राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है। जिस प्रकार फौजी का अपना जीवन है उसका एक राष्ट्र के लिए उसका जीवन है, कभी को अपने परिवार को नहीं, वो भारत माता के लिए ही अपना जीवन को समर्पित करता है, वैसा ही दृष्टिकोण आज के इस युवाओं में होना चाहिए, जिससे कि अपना जो हम कल्पना करते हैं परम वैभव की वह साकार हो सके। यही अपना संस्कार भारती का लक्ष्य है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद।
निदेशक श्री राम गोपाल परमा जी। आगरा के खंदौली क्षेत्र में हुए हत्या के प्रयास और बलवे के आरोपियों को पकड़ने के लिए क्षत्रिय समाज ने एकजुटता दिखाते हुए मुड़ी चौराहा पर महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत में वर्तमान विधायक व पूर्व विधायक व क्षत्रिय समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। क्षत्रिय समाज की महापंचायत में हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा समेत कई जगह से लोगों ने हिस्सा लिया व प्रशासनिक अधिकारियों को आरोपियों को पकड़ने का एक दिन का अल्टीमेटम दिया तथा एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। महापंचायत में करीब 5 से 6 हजार लोगों ने भाग लिया। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रथम आगमन पर आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे तथा पूर्व प्रत्याशी तुलसीपुर हिदायतुल्लाह शाह एवं कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत करते हुए पार्टी के हित में एकता दिखाई। प्रदेश अध्यक्ष इमरान लतीफ ने भाजपा सरकार एवं अन्य पार्टी पर जमकर बरसे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस समय सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दे रही पिछले 2 दिन से लगातार आप नेताओं का एक डेलीगेशन सीबीआई डायरेक्टर से मिलना चाहता है, लेकिन अभी तक उन्हें समय नहीं दिया गया। ऐसे में बुधवार को आप नेताओं ने जमीन पर बैठ धरना शुरू कर दिया। धरने में आतिशी और संजय सिंह जैसे नेता शामिल हुए। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि राजधानी में आपकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की, विधायकों को खरीदने का प्रयास हुआ। शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय देकर आज यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आम आदमी पार्टी से लगाव है। आपकी भी आंखों में झलकता है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन है 2500 रुपए, हर महीने 2500 रुपया मिलता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता ना, खाली एक बात मिलती है, 15 लाख के जुमले मिलते हैं नहीं मिलते हैं। वो आप इंतजार करते रहेंगे, लेकिन वो 15 लाख। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। बलरामपुर उक्त बैठक में विद्युत विभाग के प्रति जनाक्रोश अपने चरम पर दिखाई पड़ा। इसके पीछे मुख्य कारण जनहित में विगत 2 वर्षों से विवेक श्रीवास्तव एवं क्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा लगातार विद्युत विभाग की लचरता के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी संतोषजनक कार्यवाही न किया जाना है। विद्युत विभाग के प्रमुख कर्मचारियों, अधिकारियों, लाइनमैन एवं मंत्री एक लिखित एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों बार संबंधित क्षेत्र की समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई हल नहीं मिला, बल्कि लगातार झूठे वादे मिलते रहे। इस बैठक में उपस्थित आम जनता, बाजार वासी, क्षेत्र के ग्राम प्रधानों एवं पत्रकार बंधुओं से विवेक श्रीवास्तव ने वादा किया कि समस्या का हल न मिलने तक उनकी यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी।
क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और 11:30 बजे तक इसको धरना कह सकते थे, लेकिन 12:30 के बाद इसको हम धरना नहीं कह पाए। वजह क्या इसकी? वजह 10-15 मिनट बताते हैं, 10 मिनट और समझ लीजिए। आप 11:00 बजे से नहीं बता रहे, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं। अभी देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज़ अगर पत्रकारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर कह दी जाती है तो तुरंत आम। बरेली में समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के तत्वावधान में समाजवादी सदस्यता अभियान के कार्यक्रम IMA ऑल बरेली में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने की। मिठाईलाल भारती ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में दलितों की दुर्दशा के जिम्मेदार बहन कुमारी मायावती हैं। उन्होंने कहा कि मायावती संविधान विरोधियों को अपना दुश्मन न मानकर संविधान के रक्षकों समाजवादियों को अपना दुश्मन मानते हैं। वह हर एक काम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि दलितों शोषित वंचित को यह पहचानना होगा कि उनका हितेशी कौन है। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान है तब तक शोषित समाज जिंदा है। बहन मायावती ने बाबा साहब बुलडोजर काशी राम के मिशन को समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव दलितों के लिए अग्नि परीक्षा के समान होगा। अध्यक्षता करते हुए शिवचरण कश्यप ने कहा कि संविधान की वजह से ही दलितों पिछड़ों को अपना जीवन स्तर सुधारने का अधिकार मिला है। हमें संविधान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के बैनर तले सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे तमाम दलित समाज से जिम्मेदार साथी आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बरेली सिटी से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग सदस्य बनेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान केवल सदस्यता अभियान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन भी है। और जिस तरह से 2022 के चुनाव में धोखा हुआ है, लोगों को लगा है कि धोखा दोबारा न हो, तो 2024 की तैयारी हो रही है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटी हो, अपर कास्ट के लोग हो। ये अभियान है सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा है कि 2024 में पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम अच्छी सीटों पर हम आएँ, और एक बहुत ताकत में विपक्ष आ रहा है। और जिस तरह से जो मुहिम छेड़ा है माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी एंड कंपनी, जो विपक्षियों का जो लामबंद हो रहा है इस समय, इससे बीजेपी परेशान है, उनको परेशानी बड़ी है, इनको दबाने के लिए ADCPI का प्रयोग करेंगे। इसलिए विपक्ष तगड़े रूप में है, मजबूती के साथ है, और 24 में आपको दिखाई देगा। राजभर जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के नौरत्न है, नौरत्न इसी से बाहर ही निकलते, तो कैसे 24? मैं राजभर जी को जानता ही नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी के विधायक आज यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? ये अम्बेडकर वाहिनी की पदाधिकारियों का बैठक है, सदस्यता अभियान का है जी। तो हम अपने अम्बेडकर वाहिनी को बुलाया है, और इस अवसर पर हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय कश्यप जी बैठे हैं, महानगराध्यक्ष समीम भाई बैठे हैं, क्योंकि संगठन के लोग हैं। मैंने विधायकों को नहीं बुलाया, क्योंकि विधायकों को अलग से जिम्मेदारी उनको मिल चुकी है। ये संगठन की हमारे अम्बेडकर वाहिनी की बैठक है। मेरी मंशा है कि सदस्यता अभियान में दलित समाज के भारी संख्या में लोग सदस्य बने समाजवादी पार्टी का। सर, एक सवाल ये है कि पूरी जो इस टाइम संगठन है वो भंग चल रहा है, अभी किसी को भी कोई पद नहीं मिला, और एक लंबा अरसा हो चुका है, 1.5-2 महीने से बिना पद के निवर्तमान के तौर पे तमाम काम कर रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष जी हुए या और, ये कब तक उम्मीद है? अक्टूबर महीने में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद जिला संगठन और फ्रंटल तमाम संगठन बन जाएंगे। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। बुलंदशहर में सेल्फी के दौरान हादसा या आत्महत्या गुत्थी उलझी। आपको बताते चले कि मामला बीवी नगर थाना क्षेत्र के गांव निसुरखा का है, जहां अनुबाल भारती में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं ने एक साथ उफान के साथ बहती नहर के ऊपर बने पुल से नहर में छलांग लगा दी। खेत में कार्य कर रहे एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने उन लड़कियों से बोला कि आप यहाँ क्यों बैठी हो, तो वह लड़की वहां से उठकर दूसरे पुल के पास पहुंच गई तथा अपनी स्कूटी वहीं खड़ी कर और उस पर अपने बैग रख सीधे नहर में छलांग लगा दी। उनके पीछे पीछे वह लड़का भी नहर में कूदा, लेकिन तेज बहाव पानी ज्यादा होने के कारण वह उन्हें नहीं बचा पाया और दोनों छात्राएं नहर के गहरे पानी में लापता हो गईं। 24 घंटे बाद आज बड़ी मशक्कत के बाद गोताखोर दोनों लड़कियों को ढूंढने में सफल हो पाए हैं। प्रशासन अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है और अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। घटनास्थल पर अशांति का माहौल है तथा सैकड़ों की संख्या में लोग पटरी व पुल पर मौजूद हैं। दोनों छात्राओं ने यह कदम क्यों और कैसे उठाया, यह एक पहेली बनी हुई है। देखिए, दो बच्चियां हैं, दोनों अनुबाल भारती स्कूल है बीबी नगर में, उस पर पढ़ने वाली हैं। ये आज जब स्कूल से लौटी, दोनों स्कूटी पे साथ में थी और ये दो बच्चियां हैं जिनमें से एक लड़की है जो निसुरखा गांव थाना बीबी नगर की रहने वाली है, जो कक्षा 11वीं में पढ़ रही है, और जो दूसरी है वो ग्राम खेड़ी थाना औरंगाबाद की रहने वाली है, जो कक्षा 10वीं में पढ़ रही है। ये दोनों अच्छी दोस्त हैं, ये स्कूल से दोनों साथ में आए स्कूटी पर। इन्होंने स्कूटी की चाबी उसी में छोड़ दी, सीट पर दोनों बैग वहीं पर छोड़ दिए स्कूल के, और उसके बाद नहर में कूद गए। इससे पहले बताया जा रहा है, जब जांच पड़ताल की गई तो किसी ने उन्हें पहले दूसरे पुल पर देखा था औरंगाबाद की तरफ। जब वहाँ टोका गया तो ये दोनों बच्चियाँ चलकर स्कूटी से आगे चलकर निसुरखा पुल में, जो थाना बीबी नगर में लगता है, वहाँ पहुँची। वहाँ इन्होंने स्कूटी खड़ी की और पानी में कूद गई। वहाँ पे एक व्यक्ति ने इनको बचाने का प्रयास भी किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तब तक थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई, हम लोग भी आ गए और सिंचाई विभाग से इसमें तत्काल फ़ोन पर बात की गई कि जो थाना का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको तत्काल कम किया जा सके, जिससे बच्चियों को सकुशल बरामद किया जा सके। इसमें फ्लड पीएसी की टीम अनूपशहर से पहुंचने वाली है एवं ब्रजघाट से भी गोताखोरों को बुलाया गया है। वे भी यथाशीघ्र यहां पहुंच जाएंगे और बच्चों को सकुशल बरामद करने की पूरी कोशिश जारी है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला अधिवक्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल बरेली में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पड़ी पार्किंग स्टैंड वाली जगह पर महिला अधिवक्ता ने शनिवार को टीन का खोखा रख लिया। इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट ने इसकी सूचना नगर निगम को दी गई और नगर निगम अपनी कार्यवाही करने के लिए अतिक्रमण टीम के साथ पहुंची, जहां नगर निगम के अधिकारियों ने महिला अधिवक्ता से काफी नोकझोंक होने के बाद महिला अधिवक्ता प्रेरणा को चैम्बर हटाने को समय भी दिया गया। इसके बावजूद भी कई घंटों तक टाल मटोल चलता रहा। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस घंटों माथा पच्ची चलती रही, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने तीखे तेवर दिखाते हुए चैम्बर पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके बाद कार्यवाही से नाराज महिला अधिवक्ता ने जमकर हंगामा काटा। महिला अधिवक्ता प्रेरणा का आरोप है कि अपर नगर आयुक्त ने चैम्बर लगाने को लेकर रुपये की मांग की थी, जो वह नहीं दे पाई, इसी वजह से उसका चैम्बर हटा दिया गया, जिसके समर्थन में बरेली बार काउंसिल के अधिवक्ता आने शुरू हो गए।
मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। मेरा चैम्बर यहाँ था, यहाँ पे नगर निगम की जगह 12 मीटर है सिर्फ, बकाया हमारी है। और वहाँ लिखा है नगर निगम के एडवोकेट का चैम्बर है, एडवोकेट चैम्बर लिखा है। तो आप अपने क्यों मानचित्र से फिर रहे हैं? जब मैं 10 लाख रुपए नहीं दे पाई, आपने मुझसे कहा वहाँ चैम्बर की जगह देख कर आइए। मैं वहाँ चैम्बर की जगह देखने की, इन लोगों ने मेरे पेट घूमते मेरा चैम्बर तोड़ दिया। आपसे 10 लाख रुपए की जो डिमांड करी वो किसने करी? वो मेरे से यहाँ के अपर नगर आयुक्त ने। क्या नाम है उनका? मुझे नाम क्लियर नहीं पता, मेरे से कॉल पे किसी से बात करवाई थी, 10 लाख रुपए मांगे, एक ही रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैडम आप सीधा सीधा एलिगेशन लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल, 10 लाख रुपए ना देने पर चैम्बर तोड़ दिया गया। नहीं तो सुबह से क्यों नहीं तोड़ा? मेरे सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मेरे सामने क्यों नहीं तोड़ पाए आप? क्यों नहीं तोड़ पाए मेरे सामने? आप इस रीजन में शाम तक टिके रहे कि अब हमें पैसे मिल जाएंगे, जब पैसे ना आपको लगा पैसे नहीं मिल सकते। लड़की ये क्या करेगी? हमारे सब साथियों को बाहर के सचिव को छोड़ के अपने वहां भेज दिया कि लड़की को गुमराह करो जाकर। इन लोगों को भी गुमराह किया, मुझे भी गुमराह किया, उठा के चैम्बर तोड़ दिया। नगर निगम ने जो चैम्बर तोड़ा है, इसके अगेंस्ट आपका अगला कदम क्या होगा? कल डिसाइड करेंगे, हमारी बार डिसाइड करेगी। जो बार एक बार का है, मैं यहीं बैठूंगी, मैं अपने चैम्बर में बैठूंगी, जो मेरा चैम्बर है। ये मेरा चैम्बर था, मेरा चैम्बर है, मैं इसको फिर से बना के खड़ा करूंगी। वकील को कोई नहीं तोड़ सकता है, हम कानून के ज्ञाता हैं। अब हमसे कानून से बात करो, मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई लीगल पेपर नहीं, मुझे एक भी पेपर नहीं दिखाया। यहाँ नाम यहाँ मौजूद किसी को एक भी पेपर दिखाया गया है? यहाँ मतलब मौजूद है, इनसे पूछे, सुबह से मेरे संग ये लोग हैं, एक भी लीगल पेपर कुछ नहीं दिखाया गया। ऐसी लाकर बोर्ड 10 लाख की डिमांड की गई, डिमांड पूरी ना करने पर इन लोगों ने चैम्बर तोड़ दिया। मेरे पेट घूमते ही मेरे सामने तोड़ दे बात थी जी, मुझे गुमराह किया गया। मुझसे बोले आप उधर जाके दूसरा चैम्बर देख लो। जैसे ही मैं बाइक पे बैठ के उधर गई भैया के संग, हमारे पूरे बार के लोगों को भेज दिया, आप जाके समझाइए, और आपने पीठ पीछे के चैम्बर तोड़ दिया। श्री मजिस्टर साहब मुझसे कहते हैं, फोन पर रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप नगर निगम से बात करिए, और मेरे पीछे आके मेरा चैम्बर तोड़ दिया। साहब आपको कौन सा इंटरेस्ट है मुझे ये तो बता दीजिए। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के संग ये बर्ताव किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है उनके लोगों के साथ मिलकर, उन्हें भी गुमराह किया जा रहा है। अब बाहर के सचिव को गुमराह कर रहे हैं, भैया कोषाध्यक्ष को गुमराह कर रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं। आप इतने VIP हो गए, बाहर की वैल्यू कोई नहीं है, वकीलों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप लोग तो मैम बात कर रहे थे, उसके बावजूद भी ऐसे हमें गुमराह किया गया ना। हमसे बोले आप वहां जाकर चैम्बर देख लीजिए, हम उधर गए, यहाँ आकर चैम्बर तोड़ दिया हमारा। हमें तो गुमराह किया गया है ना, हमसे निगोशिएशन चल रहा था कि भाई हो जाएगा, हम करवा देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा मुझे 24 घंटे दीजिए पेपर दिखाने को, इन्होंने मुझे 24 घंटे नहीं दिए। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। कासगंज गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश की कासगंज पुलिस और SOG की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोली से घायल बदमाश एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र के कस्बा धुमरी का रहने वाला संतोष उर्फ संतरा बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 4 खोखा, 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। पुलिस SOG टीम की इनामी बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य इलाके की है। ASP जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक थाना पुलिस और SOG की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान में मुश्किल थी। ASP जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक थाना पुलिस और SOG की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान में मशगूल थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक स्प्लेंडर बाइक पर 2 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने दोनों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गोली से घायल बदमाश के खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। 25,000 का इनाम भी कासगंज पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश संतरा को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज दिनांक 10/11/2022 की रात्रि में थाना क्षेत्र सिकंदरपुर वैश्य के खड़ुया गांव में चितारा मोड़ के पास सिकंदरपुर वैश्य प्रभारी निरीक्षक की टीम और SOG प्रभारी की टीम के द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी हुई है। उसको उचित ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल ले आया गया है। उसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि इसका नाम संतरा और संतोष है।
इसके ऊपर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके साथ ही यह गैंगस्टर मुकदमे में वांछित भी है। साथ ही जनपद पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इसके ऊपर पुरस्कार भी घोषित है। इसको यहाँ जिला अस्पताल ले आकर के उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, साथ ही विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं? इसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। सहारनपुर कस्बा गंगोह के गांव बोड़पुर में बर्थडे कैंडल बनाते समय जोरदार धमाका होने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बोड़पुर में शहजाद पुत्र बिलाल, इजाजुल पुत्र बिलाल, मोनिस पुत्र मुस्तफा, समीर पुत्र काला बर्थडे कैंडल बनाने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान किन्हीं 4 कारणों से जोरदार धमाका हुआ और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। थाना गंगो के बूढ़पुर गांव में अभी एक दुर्घटना हुई है, जिसमें जहां वहां पे बर्थडे कैंडल्स बनती थी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। 2 बच्चे हैं और 2 उसमें युवक हैं। काफ़ी इंजरी आई उनको, तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची है और उनको अस्पताल में ले आई, उनका इलाज चल रहा है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। नात्रा एवं झगड़ा समाज के लिए एक दंश के रूप में है, जिसके चलते इस कुरूती ने लोगों के नुकसान सिवाय और कुछ नहीं किया। फिर भी जिले में कुछ जाति वर्ग के लोग इस प्रथा से इस कदर घिर चुके हैं कि वह उसे त्यागना नहीं चाहते। प्रशासन एवं शासन की कई पाबंदियों के बाद भी लोग एक दूसरे का नुकसान करने में जरा भी नहीं चूक रहे। वहीं राजगढ़ पुलिस सभी अपना काम बखूबी निभा रही है। फरियादी अर्जुन पिता लखन सिंह घोषी, उम्र 21 साल, निवास ग्राम सीका पटेलपुरा थाना तलेन जिला राजगढ़ ने एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया। मेरा ग्राम रावतपुरा की बबली पिता बाबूलाल मेवाड़ा के साथ प्रेम संबंध था। हम दोनों ने दिनांक 7 सितंबर 2022 को राजगढ़ कोर्ट में प्रेम विवाह कर लिया था, जिस कारण मेरी पत्नी बबली के परिवार वाले मुझसे व मेरे परिवार से रंजिश रखते हैं। ग्राम सीका पटेलपुरा के पटेल के नाम से एक चिट्ठी देकर झगड़े के 4 लाख रुपए मांग की गई, नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी गई। दोपहर करीब 1:30 पर अपने परिवार व पत्नी के साथ घर में था कि मेरी पत्नी बबली का भाई सोनू मेवाड़ा काका के लड़के चंद्र सिंह मेवाड़ा, हरिओम मेवाड़ा व मामा एलम सिंह मेवाड़ा घर के अंदर घुस आए और मुझसे व मेरे पिता लखन चौहान से आड़ीबाजी कर झगड़े के 4 लाख रुपए की मांग करने लगे और चारों ने मुझे व मेरे पिता को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी और बोले कि अगर झगड़े के पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे और वहां से चले गए। सर, रावतपुरा के जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका क्या है मामला? ये कल फरियादी अर्जुन द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि इसने बबली नाम के लड़के से शादी कर ली थी और शादी के बाद अपने गांव सीका में रह रहा था, तो लड़की पक्ष के लोगों द्वारा 4 लाख रुपए जबड़े की राशि की मांग की जाकर
उसके घर पर घुसकर मारपीट करी थी तथा अड़ीबाजी कर 4 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिस पर से थाना कलन में अपराध क्रमांक 314 कायम किया गया है और आरोपी को विरुद्ध 384, 327, 452 IPC प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थैंक यू सर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। सहारनपुर थाना सदर बाजार में अयूब नामक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी का अफवाह फैला रहा था को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार ने बताया कि जो भी इस प्रकार की अफवाह फैलाएगा उसके विरुद्ध कड़ी और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। राजेश कुमार ने पुनः लोगों को आगाह किया कि इस प्रकार की अफवाहों से बचें और कानून को अपने हाथ में ना लें। विगत एक सप्ताह से लगातार अफवाह चल रही थी कि कोई बच्चा चोरी कर ले रहा है। इस संबंध में लगातार हमारा अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चल रहा है। थाना प्रभारी हर गांव में जाके बात कर रहे हैं, लोगों को अनाउंसमेंट करके समझा रहे हैं कि इस तरह का कोई गैंग नहीं है, मात्र अफवाह है। और इसमें हम अपना सोशल मीडिया में भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान ही एक ऐसा फेक वीडियो मिला जिसमें इस तरह की अफवाह को बढ़ावा दिया जा रहा था और कई ग्रुप में डाला गया था। तो उसमें जो एक अयूब नामक व्यक्ति जो ये रायपुर थाना मिर्जापुर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका मोबाइल भी जब्त किया गया है। उन्होंने एक ग्रुप में एक वीडियो, एक फेक वीडियो डाला है जिसमें एक आदमी बच्चा लेके जाता हुआ दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल फेक है। और इस आधार पर इनके खिलाफ थाना सदर बाजार में एक अफवाह फैलाने का, लोगों में दहशत फैलाने का, लोगों में डर फैलाने का एक मुकदमा लिखा गया है। उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनका जेल भेजा जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे पूरा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो भी इस तरह की अफवाह, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोई भी इस तरह का अगर फेक वीडियो चलाएगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुकदमा इसमें गागलहेड़ी थाना में भी लिखा गया है और कई थानों में लिखा गया है। जो भी इस तरह की चीज़ें मिली हम तत्काल उसमें अभियोग दर्ज कर रहे हैं और ऐसे लोगों को की गिरफ्तारी कर रहे हैं, चिन्हित करके और उनको जेल भेज रहे हैं ताकि लोगों को सबक मिले और इस तरह के अफवाह को बढ़ावा न दें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दालमील पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।